नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी। तो अब तक हमने पढ़ा कि बालक मोहन जो है बड़ा प्रतिभाशाली बालक था और वह पिताजी की मदद के लिए देखो क्या कर रहा है, खेतों में जाता है खरपतवार के लिए, किंतु हंसुए की जो धार है वो उसे तीखी पैनी नहीं लगती है, तो उसके लिए वो शिल्पकार टोले की ओर जाता है। तो वहाँ वो धनराम के आफर पर जाकर के बैठता है, उसे देख करके और उसे अपने अतीत की स्मृतियाँ हो आती है, अपने विद्यालय की, अपने स्कूल की याद आती है, मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आती है और उसे वो स्कूल के विषय में सब पूछ रहा है। तो कहानी जो है वो फीडबैक में चल रही है। तो मोहन जो है वो बड़ा प्रतिभाशाली बालक था और मास्टर त्रिलोक सिंह जो है उन्हें मोहन से बड़ी उम्मीदें थी, और कक्षा में कोई भी छात्र यदि गलत जवाब देता है तो मोहन से उसका उत्तर पूछते और अनुमान सही निकलता, और मोहन पर ही उस बालक को दंड देने का भार जो है वो मोहन पर ही डालते। और क्या कहते, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही उसके मन में ये बिठा दिया गया कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिबंधी नहीं समझा, यानी कि बचपन से ही उनके मन में बिठा दिया गया कि जो ब्राह्मण है वो हमसे सर्वश्रेष्ठ ही है। तो ऐसी मानसिकता बालक की हो गई थी। हाँ, और कभी कभी मास्टर त्रिलोक सिंह ये भी कह देते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा, ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी भी तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, तो धनराम किसी भी तरह से अपने आप को उससे बड़ा समझ ही नहीं सकता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाए, यानी कि परिवार जैसे गाँव के और दूसरे लड़के सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाए थे, उसी प्रकार ये जो है धनराम वो भी तीसरी कक्षा तक ही पढ़ सका था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरे का पारा सुना तो? बारह तक का पारा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। पहाड़ यानी कि उसके लिए मुश्किल हो गया था, बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। और वो क्या बोलता, तेरे एकम तेरे दूनी 24, यहाँ तक ही बोल पाता था, यहाँ तक भी वो गलत बोलता था, तेरा दूनी 24 बोल रहा है। सटाक क्या है ये, एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी यानी कि लाठी, हरी लाठी तोड़ कर ला, फिर तुझे मैं तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे, अब तक तो हमने यही पढ़ा था। तो मास्टर त्रिलोक सिंह का ये सामान्य नियम था, क्या सामान्य नियम था, कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो, यानी कि जो बलि का बकरा है वो खुद ही, कहने का आशय ये है कि मास्टर त्रिलोक सिंह जिसको भी सजा देनी होती, जिसको भी पीटना होता, उसी से वो लाठी मंगवाते, और बच्चा भी मास्टर को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वो बिल्कुल सही लाठी का चुनाव करके लाता। तो बालक धनराम जो है वो भी ऐसा ही करता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर अर्थात कहने का आशय चुना बार बार रटने पर भी, बार बार उसी बात का रटा लगाने पर भी उसे तेरे का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। तो या तो दो कारण हो सकते हैं इसके, या तो मास्टर त्रिलोक सिंह का डर उसके मन में बैठा हुआ था या फिर वो मंद बुद्धि था, न जाने क्या कारण था, किंतु दिन भर तेरा के पहाड़े को रटने के बाद भी उसे वो याद नहीं हो पाता था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया, यानी कि गलतियाँ करने लगा। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक चला दी, यानी कि उसने जो लाठी लाई थी उससे पीटने की बजाय मास्टर साहब ने क्या किया, जवान से वार किया, यानी कि उसको कुछ ऐसे शब्द सुनाए जो चाबुक से भी अधिक प्रहार उसके मन पर कर गए। क्या कहा मास्टर ने, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, यानी कि तेरे तो दिमाग में ही लोहा भरा हुआ है, उस पर विद्या का ताप नहीं लग सकता।
अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किसने? मास्टर त्रिलोक सिंह ने। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। यानी कि दो मास्टर थे, एक मास्टर उसके लिए लाठी स्वयं चुनने की उसको अनुमति देते थे और दूसरे स्वयं लेकर आते थे। यानी कि उसे तो हर समय मार खानी ही पड़ती थी। तो हाँ, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और धनराम जो गंगाराम है वो धनराम के पिता है। तो जैसे मास्टर त्रिलोक सिंह उसे पीटते थे, वो तो उसको स्वयं को विकल्प देते थे कि तू खुद लाठी चुन करके ला, और गंगाराम यानी उसके पिता जो है वो क्या करते थे, वो स्वयं अपने पास से रखी हुई किसी भी वस्तु से उसकी पिटाई कर देते थे। तो फिर अचानक उसके पिता की मृत्यु होती है तो धनराम क्या करता है, उस ऑफर को संभाल लेता है। यानी कि पिता के पुश्तैनी व्यवसाय को वो पता नहीं कब संभालना शुरू कर देता है, उसको स्वयं को ही उसका एहसास नहीं। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया? प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते, यानी कि प्राइमरी स्कूल हो गई उसकी पूरी, किसकी? मोहन की। तो प्राइमरी स्कूल पूरी करने के बाद उसे छात्रवृत्ति मिलती है आगे पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक था तो उसे छात्रवृत्ति मिलती है। तो इससे कुछ हद तक तो मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी सही हो गई कि भाई देखो मोहन जो है कितना प्रतिभाशाली है, किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। वो भी सामान्य परिवार से ही था, साधारण हैसियत थी उसकी, तो वे भी चाहते थे कि क्योंकि उसके पुत्र ने अभी छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो उन्हें भी लगने लगा कि अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाए, ऐसा सपना वे भी देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था क्योंकि अब उसमें इतना कुछ भी उन्हें मिलता नहीं था। तो दान दक्षिणा के बूते यानी बल पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, यानी बहुत मुश्किल से परिवार का आधा पेट भरते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। यानी कि वो चाहते थे कि उनका पुत्र जो है वो पढ़ करके और अपने परिवार की गरीबी को मिटा सके, ऐसी उनकी बहुत अधिक इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने उसे पढ़ाने का प्रयास भी किया। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाँव से 4 मील दूर था, तो 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसकी समस्या अलग से थी, उसको भी पार करना पड़ता था। हाँ, तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर बड़े उत्साहित करने की कोशिश उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। यानी कि वो जब थका हारा घर लौटता तो उसके पिताजी पुराणों की कथाओं से और जो विद्या व्यसनी जो बालक थे उस पुराणों में जो पढ़ने का इतना उत्साह रखते थे, जोश रखते थे, उनका उदाहरण देते तो वो बहुत अधिक उत्साहित हो जाता और पिताजी यही प्रयास हमेशा करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। यानी कि उसका, क्योंकि बरसात के समय में नदी पार करने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी, तो उसके पिता ने क्या किया कि उसके यजमान के घर पर, यानी कि जहाँ वे पुरोहिताई का काम करते थे, जहाँ पूजा अनुष्ठान का काम करते थे, वहाँ पर मोहन के रहने की व्यवस्था वे करवा दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता
और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। जब नदी उतार पर होती उसमें पानी कम रहता तो अपने घर आ जाता, और जब नदी उफान पर होती पूरी भरी होती बरसात होती तब वो वहाँ यजमान के घर ही ठहर जाता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा, घसियारे इनकी घास काटने वाले, उनके साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। इनकी बरसात वर्तमान यानी कि बरसात दिखाई न देने के बाद भी पहाड़ी की दूसरी तरफ बहुत सारी बरसात थी जिससे बहुत सारा पानी बढ़ गया था, तो नदी का पानी भी अचानक से बढ़ गया। तो पानी बढ़ गया और पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, यानी कि पहले तो घास आनी शुरू हुई। तो अनुभवी घसियारों ने तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मठमेले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए, यानी कि इतना पानी बढ़ गया था अचानक से, तो कितनी मुश्किल से बच पाया था उस दिन वो मोहन, तो इस बात से वो बहुत अधिक घबरा गए, दुखी हो गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। फिर देखिए तो उन्होंने क्या किया, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। कहाँ से? लखनऊ से। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ चार प्राणी है एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। कौन कहता है ऐसा? रमेश कहता है, लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ है और उनकी वंशीधर की बिरादरी का ही है, तो वो कहता है कि मोहन को हमारे साथ भेज दे। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। आप ध्यान देते रहना, देखें स्थिति क्या से क्या हो जाती है, बड़ा प्रतिभाशाली बालक परिस्थितियों का शिकार किस प्रकार से होता है, और बिरादरी का क्या सहयोग वंशीधर को मिलता है, और मोहन का भविष्य क्या बन जाता है, ये आप ध्यान पूर्वक सुने देखें। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो, उनकी आँखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। क्या सहारा होता है बिरादरी का? कि समय आने पर विपरीत परिस्थितियों में बुरे समय में वे सहयोग करे, साथ दे, उन्हें सहारा प्रदान करे, यही बिरादरी का, यही परिवार का, यही संबंधियों का सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गाँव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा जब रमेश वापस लौटा तो मोहन भी उसके साथ गया। किस प्रकार से? देखें, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा, छुट्टियां खत्म होने पर जब रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा, ये मोहन के लिए आया है सब कुछ, गांव, माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ कहाँ जाता है? लखनऊ। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं यानी कि जहाँ पर वो रहने गया है वहाँ पर दो महिलाएं हैं जिन्हें वह क्या कहता है, एक को चाची और दूसरी को भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बंटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बंटाने का साधन बन गया। देखो मोहन की परिस्थितियाँ किस प्रकार से बदल रही है, सभी लोग उसे किस प्रकार से छोटा मोटा काम बता रहे हैं। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन एक किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था, यानी कि उसे ये गलत लग रहा था, अपनी हैसियत से वो छोटा समझता था मोहन को, इसीलिए वहाँ उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो मेरा भाई है, तो उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत भी वो नहीं देता था। इस बात को मोहन भी अब समझने लगा था, यानी कि उसे भी अब कोई आपत्ति नहीं थी इसमें, वो समझने लगा था इस बात को। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में, हीला हवाली करने के बाद नहीं जाते ही उसको स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया, यानी कि बड़ी मशक्क़त के बाद उसने ऐसा किया, ढील ढाल के बाद समय व्यतीत करके उसने निकट के ही स्कूल में, साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, मेधावी नहीं प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी छात्र, शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। क्यों पहचान नहीं बना पाया? एक तो देर सवेर उसका दाखिला करवाया, ऊपर से नया वातावरण मिला उसको, गाँव से शहर का वातावरण, दूसरी बात रात दिन काम का बोझ उसके ऊपर, तो इस प्रकार उसकी प्रतिभा
उसकी बुद्धि भी मानो इन सब के नीचे दबकर रह गई है, वो अपनी कोई विशेष पहचान यहाँ नहीं बना पाता है। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। बंधी बंधाई लीक पर यानी कि उसको हर दिन जो कार्य करने थे वही करने होते थे। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसी शहर में ही गुजार देना पड़ता था कि भाई छुट्टियाँ हैं तो अगली कक्षा की तैयारी करो। और जबकि करता क्या था, वो सबके लिए काम करता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। क्या सुविधा असुविधा, कि मोहन उनके लिए कितनी मदद करता था, उनके लिए कितना काम करता था। तो यदि मोहन चला जाता तो उनको असुविधा होती रमेश के परिवार को। अब देखो मोहन के विषय में देखें आप, मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, यानी कि उसके सामने जैसी परिस्थितियाँ थी उनको उसने स्वीकार कर लिया था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था उसके पास, और कोई उपाय ही नहीं था मोहन के पास। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, और वंशीधर उसके सुंदर भविष्य के सपने देख रहे थे। यानी कि यहाँ मोहन के साथ ये स्थिति हो रही थी, उसका भविष्य किस प्रकार निर्मित हो रहा था, किस प्रकार उसकी परिस्थितियाँ बदल रही थी, और वहाँ गांव में उसके पिता वंशीधर जो है वो मोहन के सुनहले भविष्य के सपने देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि उनका बेटा मोहन जो है वो शहर में बहुत अच्छे विद्यालय में बहुत अच्छी मेहनत के साथ पढ़ रहा है, तो उसका भविष्य क्यों नहीं संवरेगा, ऐसे सपने वो देख रहा था। तो इसे आगे क्या होता है मोहन के साथ वो हम पढ़ते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।